हेलो, ये सब क्या हो रहा है रिबा? क्या हो रहा है? तुम और रोहान, अरे फारिस, समझने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो फिर ये सारी बातें यहाँ क्यों हो रही हैं? कौन सी बातें? तुम्हारी और रोहान की शादी की बातें। देखो फारिस, ये सब जो है ना, जमल की वजह से शुरू हुआ है। वो चाहती थी कि मैं उसकी भाभी बनूं, वरना मुझे तो रोहान पसंद भी नहीं है। और फिर मैंने तो इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसको इनकार करने की वजह नहीं बताई थी ना। लेकिन रोहान तो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, तो अगर वो मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी तरह से तो कोई होप नहीं है ना उसके लिए। आप मुझ पे शक कर रहे हैं फारिस। I'm sorry. Just reject him, Reba. जैसे ये रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आए, फौरन इनकार कर देना। मैं तो पहले इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन वो जमल समझती नहीं है ना। देखो रीबा, तुम्हें सख्ती से बात करनी होगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सख्ती से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर आप जमल से बात कर लेंगे तो समझ रहे ना आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ ठीक है। हाय फारिस, है जमल। यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? बस थोड़ा सोच रहा था। मैंने सोचा मैं आपको आकर कंपनी दे दूँ, कहीं आप बोर ना हो रहे हो। तुम्हारी स्टडीज कैसे जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं। अगर आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि शादी के बाद मेरी स्टडीज ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादी के बाद भी अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकती हूँ। जमल, There's something I need to tell you. जी? मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात मैं कैसे कहूँ। क्या बात है फारिस, हम अच्छे दोस्त भी हैं, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। वो बात दरअसल ये है कि हाय जमन, हाय फारिस। शुमाइला आंटी, व्हाट अ सरप्राइज आंटी। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई वाज मिसिंग यू, सो मैंने सोचा तुम्हें कुछ सरप्राइज दूं। बहुत अच्छा सरप्राइज है, चले अंदर चलते हैं। चलो। हाँ हाँ, और क्या हाल है तुम्हारी मॉम का? आप इस तरह अचानक से? क्यों, मैं नहीं यहाँ आ सकती? कोर्स आ सकते हैं मैम, बस हमारी कल बात हुई थी, आपने आने का जिक्र नहीं किया। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आई। क्या, इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात? पहले तुम्हारी मंगनी करूंगी। मॉम, मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे और तुम्हारे डैड को तुम्हारी शादी अभी ही करनी है। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं मॉम, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस वेडिंग। तो फिर हो जाओ।